अस्सलामुअलैकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र मैं ठीक ठाक। बस माशाल्लाह पूरे रोजे आ रहे हैं तो थोड़ी कमजोरी ऐसी महसूस हो रही है, यानी कमर में इतना मेरे शदीद दर्द हो रहा है और सर में भी। तो बस अभी हिम्मत करके जो है ना ईशा की नमाज अदा करी है और बच्ची आई हुई है आज मेहंदी लगाने के लिए। माशाल्लाह इनके रोज़ा रखेंगी और इनकी खुशी हो रही है। जब मेरा भी रोज़ा रखा गया था ना तो मैंने भी हाथों में मेहंदी लगाई थी और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि रोज़ा रखेंगे। और बस रोज़ा रखने की बहुत खुशी, एक अलग ही खुशी होती है कि कल हमारा रोज़ा होगा। क्योंकि ना हम जब छोटे होते हैं ना तो बच्चे कहते हैं हम रोज़ा रखेंगे, तो मम्मी कहती थी बस आधे दिन का रोज़ा होता है, बच्चों का पूरे दिन का रोज़ा नहीं होता। तो मैं आधे दिन का रोज़ा रख के ना अम्मी पानी से रोज़ा खुलवा देती थी कि बस अब रोज़ा खोल लो, मगर मैं कहती थी मैं बड़ों के साथ ही रोज़ा खोलूँ। तो अब ये तैयारी होनी है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी, पूरी वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा आपको और अच्छा लगेगा। ये बन रही है, लग रही है हो रही है कि हाथों में मेहंदी अंबर लगा रही है। तुम्हारा रोजा है कल? हो रही है वैसे भी रख रही हो तुम रोजा तो, है ना? पूरे रोजे रख रही हो, तुम्हारे दिखाऊं? पूरी है। कैसे कपड़े बनाए ना मैंने, कैसे कलर के बनाए? पर्पल। हाँ चलो खाना खाने के बाद मैगी बन रही है बेटा। ये क्या होता है? मुस्तफा का भी रोजा है? तो मुस्तफा तो बहुत छोटा है अभी। नमाज आती है? नमाज पढ़ना आती है? वाह भाई वाह, हाँ तो फिर सही है। तो आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी थोड़ा सा बाज़ार, क्योंकि मैं अकेली नहीं जा पाती गर्मी में और रोज़े में, तो इनके साथ मैं गई थी। आज इनकी छुट्टी भी थी तो जुम्मे को ऑफ होता है हमारे हैदराबाद में। और अपने लिए मुझे सैंडल लेनी थी मोतर के लिए, छोटे हुसैन के लिए और हसन के लिए, तो इन लोगों के लिए मैंने ली। और नमाज़ पढ़ने के बाद गई थी तो मैं यहाँ पर जो है ना, यानी 6 बजे तक उन्होंने कहा था कि 6 बजे तक बाज़ार खुलेगा, मगर 6 बजे से पहले ही यानी 5 बजे ही पुलिस की गाड़ी आ गई और दुकानें वगैरह जो है बंद कराने लगे। तो बस जल्दी जल्दी उल्टा सीधा जो लिया बस लिया और उसके बाद में घर आ गई थी। तो 5 बज गए आते आते और बस आते ही जो है ना मैंने प्रेस करना शुरू कर दी। और ये वही सूट है जो मुझे फिज़ा बेटी ने मुझे यूके से मुझे भेजा था मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर, नहीं मेरे बर्थडे पे भेजा था मुझे। तो ये मैंने सिलवाया था, आज ही सिल के आया तो मैंने सोचा यही पहन लूँ। इसके काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है, यानी ट्राउज़र पे भी काम हुआ हुआ है, पूरा दुपट्टा इसका फुल भरा हुआ है और पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छा ये सूट है, लॉन का सूट है। तो मैंने कहा आज मैं यही सूट पहन के जाती हूँ। और अंबर के भी मैंने कपड़े निकाल लिए थे, लाइट भी अभी आई है, लाइट तो पूरे रमज़ान में हमारे गई है, कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन लाइट ना गई हो। रोज़ों में भी जो है ना हम लोगों ने बस एक सब्र होता है ना, सब्र आजमाते हैं ये लोग के कितना सब्र है, बस क्या कर सकते हैं क्या कह सकते हैं। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिस मुल्क में जिस शहर में जो भी हुक्मरान आए, जो भी आए वज़ीर आज़म या कोई भी आए, तो वो अच्छा आए कि बस हमारे मुल्क के हमारे शहर के हालात अच्छे हो जाएँ। यहाँ पर मेरे जो है तैयार हो गए, मेरे हस्बैंड मिठाई का डब्बा और हार लेकर आ गए थे मुझे छोड़ने के बाद, चले गए थे ये बाज़ार दोबारा। मैंने कहा मुझे पहले घर छोड़ दो, मुझे जो है असर की नमाज़ भी अदा करनी है। हसन मेरे पीछे लग गया और जल्दी जल्दी हसन को जो है मोहतर ने तैयार किया। मैंने कहा मैं ले जाऊँगी, रोज़ा खोलने के बाद मैं इसको भिजवा दूँगी। अभी मैं बस निकलने वाली हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं। और एंड टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि बस हम जाएँ और एकदम रोज़ा खुल जाए, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ थोड़ा सा पहले जाऊँ, वक्त से पहले जाऊँ, वरना मुझे बहुत शर्मिंदगी सी होती है। मैं शोर मचाना शुरू कर देती हूँ कि भाई जल्दी चलो। और यहाँ पर मोहतर ने ना मुझे शरबत बना के दे दिया थर्मोस में और अंबर को, क्योंकि मुझे बहुत ठंडा शरबत अच्छा लगता है और मैं डाइट शरबत पीती हूँ, अंबर जो है रूह अफ़ज़ा का पीती है। तो शरबत नहीं पियो ना तो सुकून नहीं मिलता, बस रोज़ा खोलने के बाद दिल करता है शरबत पियो या पानी पियो बस, और मुझे किसी चीज़ की तलब नहीं होती। तो अभी हम जा रहे हैं
इफ्तार पार्टी में, और अभी थोड़ा सा भी जो है आधा घंटा भी बाकी है, मगर जाते जाते जो है वही टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता भी कहीं कहीं से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ, यानी बाड़ लगाई हुई, कुछ रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, क्या चल रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा और ईद पे ही क्यों ये चीज़ें होती हैं। तो मैं मुत्तर से कह रही हूँ कि अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तो मुत्तर तो हमारे साथ नहीं गई क्योंकि अभी उसका सवा महीना पूरा नहीं हुआ, और हमारे जो है ना सवा महीने से पहले किसी पार्टी में या किसी के घर नहीं जाते। सवा महीना नहाने के बाद फिर कहीं जाते हैं, यानी अपनी अम्मी के घर जाएंगे या मैं किसी जो है दरगाह वगैरह पे इसको लेके चली जाऊँगी, तो ऐसा ही होता है। और आज इतना ज़्यादा मुझे रोज़ा लगा, यानी हलक है ना अंदर से खुश्क हो रहा था, तो पैर से ही जो है हलक खुश्क हो गया। अभी हम लोग जो है इन लोगों के घर आ गए, यानी मेरी एक ही भांजी है, मेरी इकलौती भांजी, और उसके हम घर आए। तो काफ़ी दिनों के बाद आई, बस ऐसे वसीला बन जाता है, कोई बहाना बन जाता है, वरना रमज़ान में कहाँ किसी के घर जाया जाता है। तो इन लोगों ने जो है ना इंतज़ाम किया है छत के ऊपर, क्योंकि बाहर जो है कोई तकरीबात नहीं करने दे रहे हैं, तो छत के ऊपर इन लोगों ने इंतज़ाम किया है। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं छत के ऊपर, और हसन की ना मैं अभी चप्पल लेकर आई थी स्पाइडरमैन की, तो वो चप्पल ही नहीं उतार रहा, वो बस वही पहन के खुश हो रहा है बहुत। तो बच्चे को तो लेके आ जाओ, मगर ज़िम्मेदारी बहुत होती है। यहाँ पर मेरी बहन बैठी है और ये मेरी भांजी का घर है, और इनकी छोटी सी नवासी है, ये तीसरी नवासी, और 6:45 हो रही है। तो टाइम जो है अभी बस 10 मिनट बचे हैं, तो बस थोड़ा सा सांस ले लूं यहाँ पर। तो बाजी से दुआ सलाम करने के बाद मैं फिर जो है ना ऊपर जाऊंगी, क्योंकि अभी 2 जीना चढ़ के आई हूँ और 2-3 जीना अभी और चढ़ना है, क्योंकि छत के ऊपर जो है ना वो इंतज़ाम रखा गया है। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, हम लोग जो उनकी खुशी करते हैं, तो इससे ये होता है कि बच्चों को हौसला अफजाई मिलती है, और ये कोई कम बात नहीं है कि वे छोटे बच्चे जो हैं रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह पाक ने इतनी सादत दी है, और इसके बाद जो है इनको सारी ज़िंदगी रोज़ा ही रखना है, रोज़े तो फ़र्ज़ ही हैं। और ये मेरा भांजा आ रहा है मेरे पीछे, इसकी एक बच्ची है और एक मेरी बहन की, यानी मतलब इन भांजी की मेरी बेटी है, दोनों बच्चों को साथ लेकर आ रहा है वो माशाल्लाह से। और ये है मानूर, आज सजी धजी खड़ी हैं। और वैसे तो ये बच्चे माशाल्लाह से रोज़ा रख ही रही थी, यानी रमज़ान होती है रोज़ा रख रही थी, मगर ये है कि अभी इनकी खुशी करी है, और इनके साथ साथ इनके भाई की भी माशाल्लाह से जो है रोज़ा कुशाई हुई है, बहुत खुशी होती है। और जब मेरी भी रोज़ा कुशाई थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी और नए कपड़े पहनूँगी गोटे वाले, और तैयार होंगी, तो बहुत खुश ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की। और ये जो है ना माशाल्लाह सबका एक साथ रोज़ा रखा गया है, और छोटे वाले के बेचारे के तो बहुत ही छोटा है मुस्तफ़ा, इनका भी रोज़ा रखा है माशाल्लाह, तीनों ने कुरान पाक पढ़ लिया है, इससे पहले इनका नशरा भी हुआ था। और सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि रोज़ा हम किस लिए रखते हैं और अल्लाह ताला ने हमें क्यों फ़र्ज़ किए गए, तो हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे सीखते हैं, वरना बच्चों को क्या पता। और मैं इनको दुआएं दे रही हूँ कि अल्लाह पाक इनको जो है नेक हिदायत दे, और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और तोहफे के तौर पे मैं इनको दे रही हूँ, यहाँ पर हार पहना रही हूँ और लिफाफे दे रही हूँ। तो गर्मी में मैं इनके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं ला सकी, क्योंकि बाज़ार में गई थी, मगर वहाँ पर जो है बाज़ार बंद होना शुरू हो गया, तो रमज़ान में बाज़ार में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। और हर साल मैं यही कहती हूँ कि रमज़ान से पहले मैं शॉपिंग कर लूँ, मगर मैं नहीं कर पाती, क्योंकि रमज़ान शॉपिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और मैं समझती हूँ कि रोज़ेदार तो बाज़ार में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतने रश में जाना और गर्मी में जाना, माशाल्लाह से ये जो हैं इनके बच्चे हैं, ये हमारे दामाद हैं, भती यानी भांजी के शोहर, तो मेरी बहन के दामाद हैं ये माशाल्लाह। और ये मेरी बहन की बेटी है, और इसकी रोज़े कुशाई मुझे याद आ गई, जब ये छोटी सी थी बाजी ने इसका शरारा और अम्मी ने बनाया था, शरारा था और छोटी सी कमीज़ थी। बाजी को भी मुबारकबाद दे रही हूँ, और ये बड़ी दुल्हन बनी थी, आज माशाल्लाह से जो है इनके बच्चे दुल्हन बने हुए हैं। तो वक्त तेज़ी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे कल की सी बात हो।
और बच्चे हमारे देखते देखते जो है बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी माशाल्लाह से आज इस काबिल हो गए। तो यहाँ पर जो है बस दस्तरखान बिछ गया रोज़ा इफ्तार का। रोज़ा इफ्तार में जो है शरबत, केले और चीकू वगैरह और समोसे वगैरह हैं, पानी है। और मैंने भी कहा था भाई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं करना क्योंकि बहुत ज़ाया होता है, क्योंकि रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद जो है खाना लग जाता है तो इतना खाने में नहीं आता। इफ्तार के बाद यहाँ पर माशाल्लाह से हम लोग मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे हैं और छत के ऊपर ही हैं, मगर छत के ऊपर भी जो है आज हवा बंद थी, वरना हैदराबाद की हवाएं जो हैं बहुत ही मशहूर हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है कि हैदराबाद सिंध में बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, भले दिन में कितनी गर्मी हो मगर रात को जो है ठंडा मौसम हो जाता है। और अभी हम बैठे हैं बस थके हारे थोड़ी देर हम लोगों ने बातें अतें करी हैं और इसके बाद जो है ना दस्तरखान लग गया, ताकि लोग जो हैं अभी तरावी वगैरह भी पढ़ने जाएंगे और औरतें भी अपने घरों में तरावी वगैरह पढ़ती हैं। तो बस ये आखिरी जो है अशरा चल रहा है, तो रोज़ा खुलने के बाद थोड़ी सी तवानाई आई, थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं, वरना रोज़े से पहले तो बिल्कुल हम चुरमुर बैठे हुए थे और अजीब सी हालत हुई हुई थी। बस सिर्फ पानी की तलब होती है मुझे और किसी चीज़ की तलब नहीं होती, तो पानी भी हमारे ज़िंदगी के ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, यानी इसी से हम जो है हमारी तवानाई मिल रही है। और ये बाजी की पोती है ये, तो ये भी अभी कुरान पाक पढ़ रही है। इंशाल्लाह इनका भी रोज़ा जो है जब बड़ी होंगी तो वक्त के हिसाब से इनका भी रोज़ा रखवाएंगे। और बच्चे तो माशाल्लाह इतने खुश हैं कि आज ईद का दिन है इनके लिए, और ईद का ही दिन है क्योंकि ईद पे तो हम लोग घर में ऐसे ही बस काम में लगे रहते हैं, मगर आज जो है ना माशाल्लाह सब तैयार व्यार होके एक दूसरे से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो बस ये इफ्तार पार्टी जो है ना, ये रमज़ान में ही जो रौनक होती है ना, ये अलग ही रौनक होती है इस इफ्तार पार्टी की। पूरी अपने घर से आ गई थी, चली गई थी, हमारे घर आई थी ना ये, तो ये सैरी करके चली गई थी, तो आज फिर वहाँ से आई थी तैयार होके। और ये मेरे दामाद हैं जो भी पानी लेकर आए रोज़ा खोलने के बाद, गुड़िया ने कहा था, और ये लाए खाने के, खाना खाने के बाद पानी लेकर आए, तो याद आ गया होगा तो ले आए पानी। तो गुड़िया बहुत इनका मजाक उड़ा रही है कि देखो अब पानी लेकर आए मम्मी, मैंने कहा चलो लेकर तो आ गए, याद तो है मैं भी वैसे भूल जाती हूँ, कोई मुझसे किसी काम का कहता है ना तो मैं दूसरे काम मुझे याद आ जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ। और मैंने तो पानी इतना पिया है कि पानी पी पी के बस मेरा पेट फुल हो गया। अभी खाना शुरू हो गया, खाने में है ये चिकन की बिरयानी, और मीठे में इन्होंने रखे हैं गुलाब जामुन। तो गुलत्ती बना रहे थे मगर फिर इन्होंने गुलाब जामुन रख दिए, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन, गरम गरम मीठे मीठे। और अभी जो है ना हम लोग खाना ना खा के थोड़ा सा इधर खड़े हुए थे, यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा देख रहे थे कि कैसे कैसे घर बने हुए हैं लोग और कैसे रह रहे हैं, किस तरह लोग रहते हैं। तो ऊपर से तो काफ़ी बुलंदी है ये, तो हम जो है ना फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए छत के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हमारा कभी आना नहीं हुआ छत के ऊपर। और जो मेरी भांजी और मेरी बेटी है, इन दोनों का ससुराल एक ही है, दोनों देवरानी जिठानी भी हैं और कज़न भी हैं, बहनें भी हैं, और एक ही घर में गई हैं शादी होके, तो देवरानी जिठानी भी हैं, तो इनका एक ही ससुराल है सब, इनके मुमानी खाला और उनके बच्चे बच्चे सब, बस सिर्फ घर ही घर के लोग हैं और बाहर का कोई भी नहीं है। सारी पी किए चाय, तब मौसम सही होगा। हाँ सही होगा, लाया टिश्यू पपिया। गिफ्ट पैक लग रहा है ना? हाँ मी सही गिफ्ट, खूबसूरत है। ओ गॉड यार थक गए, ऐसा पता क्या जंगल से आए, कहाँ से आए? वो जामा बच्ची थे, एक बच्ची बना दी बीच में मोहल्ले में, इतनी बड़ी उसको पढ़ाना, मैंने ऐसे में पढ़ा। हाँ तो ये लगा लूँ जी, बना ली इसमें और फिर मैंने आया मेरे पीछे।
ये बात हसन से तो अभी हम लोग आ गए अपने घर और गर्मी आज इतनी ज्यादा हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, हफ्स हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो इतनी थकन सी हो रही है। घर आ गए हम लोग और यहाँ पर आके ना अभी मैं ईशा की नमाज अदा करूँगी। तो आज की जो वीडियो है उसको करती हूँ मैं यहाँ पर ख़त्म। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। और आज की आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं गई थी इफ्तार पार्टी में, तो हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर की तरह, इसीलिए मैं कोई भी बात होती तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।